बड़े बड़े यूट्यूबर लोग दोस्तों मनोज देव को फैक बता रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दोस्तों जो मनोज देव के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। और जो भी बताऊंगा दोस्तों वो रियल बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यार, मनोज देव एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि अपने मेहनत के दम से दोस्तों इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ी किए हैं। सही मानो तो दोस्तों मैं भी एक व्यूअर हूँ और मनोज देव का ही व्यूअर हूँ दोस्तों, और मनोज देव मेरा गुरु है दोस्तों। मनोज देव को जो भी लोग फैक बोल के बता रहे हैं दोस्तों वो सब गलत है दोस्तों। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग दोस्तों मनोज देव को फैक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मनोज देव बहुत ही अच्छा इंसान। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एक दूसरे घर में रह के, आज मेरे घर में नहीं हूँ, देख सकते हो अपने मोहल्ले में दोस्तों एक न्यू घर बन रहा है, मामा का ही है, तो उनके घर में रह के मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों कल गया था सैलून और मेरा जो कटिंग वटिंग सब ठीक से करा लिया हूँ। अब दोस्तों यूट्यूब में आना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही मेहनत ही काम होती है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है दोस्तों। जो जो भाई यूट्यूबर हैं उनको पता है कि यूट्यूब में आने में कितना मेहनत लगता है, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने में कितना मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है दोस्तों। और अगर आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, अलग अलग मतलब आपको नज़ारा दिखाना पड़ता है व्यूअर लोगों, अलग अलग जगह में जाके आपको दिखाना पड़ता है दोस्तों यूट्यूब लोगों को, जो कि ब्लॉगर हैं उन लोगों को दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब में वीडियो बनाना और डालना। इस वीडियो को यार आप लोग शेयर करो ताकि मेरा वीडियो मनोज देव के पास पहुँच पाए, और मनोज देव मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। मनोज देव को देख के दोस्तों बहुत सारी बात सीखा हूँ, बहुत सारी यूट्यूब के बारे में सीखा हूँ दोस्तों। मैं उनको एक ना एक दिन मिलना चाहूँगा यार, ये मेरी सपना है कि मैं मनोज देव को मिलना चाहूंगा एक दिन दोस्तों। अभी बीच में क्या हुआ था, मनोज देव का जो चैनल है उनके चैनल में दोस्तों एक स्ट्राइक लग गया था, और अभी उनका जो स्ट्राइक था वो हट चुका है, वो अभी फिर से अपलोड कर पाएंगे और कोई ऐसा टेंशन नहीं है। वीडियो उनका चैनल कभी डिलीट होने वाला नहीं है दोस्तों, सब आप ध्यान रखना। और बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो कि मनोज देव के बारे में बोल रहे हैं मनोज देव का चैनल डिलीट हो जाएगा, मनोज देव अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ उनका सही है, चैनल भी उनका ठीक चल रहा है। अभी बीच में एक वीडियो भी आया था उनका, आप लोग देखे होंगे, जो लोग भी मनोज देव को सब्सक्राइब करके रखे हैं वो लोग देखे होंगे, जो जो परफेक्ट जो रियल है वो सब मनोज देव बताए हैं। बताना चाहूँगा यार, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भी है अपने मेहनत पे अपने दम पे दोस्तों इसमें बड़े होते हैं, अपने दम पे सब्सक्राइबर रखते हैं और व्यूअर रखते हैं दोस्तों। और किसी के बारे में गलत सलत मत बोलो, ये कहना चाहूँगा, तो किसी को गलत साबित मत करो। और बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं जो कि मनोज देव के पीछे ही लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ना क्या होती है, एक जलन होती है, ठीक है। जो भी आगे बढ़ता है, जो भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसको उसके टांग खींचने में लगे रहते हैं, यही सब हो रहा है मनोज देव के पीछे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मनोज देव उनके व्यूअर उनके साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी उनका व्यूअर हूँ, तो मैं भी उनको दुआ करूँगा कि उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका चैनल बने रहेगा, चलते रहेगा। तो दोस्तों आप लोग भी अगर मनोज देव को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में भर दें कि दोस्तों आप मनोज देव का फैन हो, ठीक है दोस्तों। मनोज देव को फैन लोगों को मैं कहना चाहूँगा यार, मनोज देव को सपोर्ट जरूर, और यूट्यूब उनको भी अच्छा तरीके से जानती है कि मनोज देव किस तरह के यूट्यूबर हैं दोस्तों। जितना भी जानकारी थी मुझे मनोज देव के बारे में वो सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, आशा करता हूँ अच्छा से सही से बता पाया हूँ दोस्तों। अभी चलता हूँ घर, और थोड़ा इधर घूमने आया था, बाहर का नज़ारा अभी ठीक है, बारिश भी बंद हो चुकी है। और दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ घर, और मेरा न्यू लुक कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बता देना, क्योंकि थोड़ा मूंछ रखा हूँ, दाढ़ी पूरा जीरो कर चुका हूँ, बाल भी थोड़ा कटिंग करके सिंपल सा रखा हूँ दोस्तों। अब मैं आ चुका हूँ घर, देख सकते हो, और प्रिंसी क्या कर रही है देखते हैं, प्रिंसी की मम्मी और प्रिंसी, वाह, और प्रिंसी की मम्मी दोस्तों साफ़ सफाई करने में लगी है, देख सकते हो घर को पूरा अच्छा से पानी में साफ कर रही है, और प्रिंसी उधर सो रही है, अभी जाग गई है सो के, देखिए अभी अभी इसको पकड़ना पड़ेगा देखिए हाय कर दो बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा, उठो उठो उठो, अरे गिर गई प्रिंसी, ये देखिए प्रिंसी सोई थी अभी उठ गई है, और हाँ उसके नाक में कुछ लगा है, खा रही थी ना तो उसमें कुछ लगा है उसके नाक में, ये देखिए
हाय कर दो, हाय, हेलो 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 हेलो। और अभी मैं पकड़ लिया हूँ प्रिंसी को, देख सकते हो गोदी में। और प्रिंसी की मम्मी भाजी काट रही है, देखिए। हाय कर दो बेटा, हाय कर दो ना। दोस्तों अभी प्रिंसी को दे दिया हूँ मेरी मम्मी को, और मैं जा रहा हूँ एक काम में। क्या काम है मैं बताऊंगा, कि जो मेरा बाइक है दोस्तों वो ज़्यादा कीचड़ लग गया है, उसमें मिट्टी ज़्यादा लग गया है, तो उसको मैं जाऊंगा साफ करने के लिए। क्योंकि दोस्तों बारिश 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा था, तो बाइक चलते चलते बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। ये रही दोस्तों मेरी बाइक, देख सकते हो कितना गंदा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए इतना ज़्यादा गंदा है दोस्तों, पूरा मिट्टी विट्टी भर गया है हर तरफ, तो इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में यार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग एक तालाब में बाइक को लेके आए हैं, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसको वॉश करेंगे और जल्दी ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए दोस्तों इसको तालाब में लेके आए। मोटर में जल्दी साफ़ नहीं होता है दोस्तों, मोटर में भी साफ़ होता है जल्दी, लेकिन दोस्तों तालाब में अच्छा रहेगा बोल के ले आए हैं। देख सकते हो कितना बड़ा तालाब है। नीचे का चक्का पूरा साफ हो चुका है, अभी सामने का धोना बाकी है। ये थोड़ा शैम्पू में धो रहे हैं, देख सकते हो शैम्पू लाया था, और शैम्पू से थोड़ा धो लेंगे तो शाइनिंग रहेगा बाइक का। तो दोस्तों अभी हो चुका है कंप्लीट इसका धोना, और अभी इसको थोड़ा बाहर लेके 2 मिनट के लिए रखेंगे, पानी जैसे उसका पूरा निकल जाएगा, उसके बाद लेके जाएंगे घर। तो दोस्तों अभी इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, पानी इसका निकलने के 2 मिनट लिए। गाड़ी पहले कैसा था और अभी कैसे चमक रही है, पहले जैसे अभी नहीं है दोस्तों। अभी इसको थोड़ा अच्छा से क्लीन किए हैं शैम्पू वैम्पू लेके। मेरा एक भाई आया था मेरे साथ, देखिए ये बाल्टी पकड़ा है साथ में, और ये जो पाइप है दोस्तों यहीं पे हम लोग हाथ पैर धो के फिर से जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए यार ब्लॉग में, आगे भी और कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलते हैं दोस्तों। तो घर आके खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट कर रहा था दोस्तों, अभी जा रहा हूँ बाहर घूमने। मौसम बहुत अच्छा है घूमने के लिए भी अच्छा, लेकिन दोस्तों कोई प्लान नहीं है घूमने के लिए, इधर उधर जाने का कोई कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों मैं आया था चौरास्ता तरफ, और यहाँ पे एक बच्चा नहा रहा है, और डांस करो शर्मा रहा है। और ये मेरे चाचा जी हैं, अभी चश्मा पहन दिए हैं, और वो लेते हुए सेल्फी। यहाँ पे एक बड़ा बरगद है, इसके नीचे हम लोग बैठते हैं, इसके नीचे हम लोग मस्ती करते हैं। उधर से एक डेंजर जोन वाला आ रहा है, देखिए एमर्जन वाला जैसे कि ब्लॉगर तो लिखा है उसके शर्ट में बी ब्लॉगर। और एक चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, देखिए अपने गांव का छोटा स्केटिंग, देखिए स्केटिंग चक्का है, एक स्केटिंग बूट है इसमें, ये बच्चा जो है ये में चढ़ता है, और ये दोस्तों इधर उधर भी हट होता है, देखिए इधर उधर कटिंग होता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और ये नहाते हुए आ गया मेरे पास, अभी हंस रहा है, चलो नहाओ नहाओ, ये देखिए कैसे नहा रहा है। सब कोई अपने अपने घर में है, और मैं थोड़ा चश्मा ट्राई करता हूँ, पावर वाला है वाला। हाँ पावर वाला है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, और चश्मा में लग रहा हूँ जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए लाइट ठोको। तो दोस्तों घूमने गया था बाहर, बारिश की वजह से फिर से आ गया, फिर से बारिश शुरू हो गई दोस्तों, इसलिए घर आना पड़ा। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगा। एंड करने से पहले कहना चाहूँगा यार, जो भी भाई अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और मनोज देव भाई के बारे में जो भी बात बोला हूँ उन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए, और सपोर्ट उनको सपोर्ट कीजिए। उनके चैनल में कोई भी ऐसा मतलब गलत वीडियो नहीं डालते हैं वो, और इतना ही कहना चाहूँगा मनोज भाई को सपोर्ट कीजिए। मनोज भाई बहुत मेहनत किए हैं तभी जाके उनका चैनल इतना ग्रो हुआ है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।